अभी सौरभ जी ने बहुत विस्तार से हमें समझाया कि किस तरह इस कोयले स्कैम में, जिसकी रिपोर्ट कल फाइनेंशियल टाइम्स में निकली है, कोयले का प्राइस इन्फ्लेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक जो शिप थी, जब वो इंडोनेशिया से चली, तो इंडोनेशिया में जो अडानी ग्रुप ने वहां पेपर फाइल करे, उसमें उस कोयले की कीमत 16 करोड़ रुपए थी। वही शिप जब उन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे पहुंची, तो उस शिप के कोयले की कीमत 36 करोड़ थी। तो आप सोचिए कि एक शिप पे जब इतना 20 करोड़ का घोटाला किया गया, वो 20 करोड़ सीधे सीधे अडानी के पास गया, तो ऐसी हजारों लाखों कोयले की शिप्स हर साल हमारे देश में आ रही हैं। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से अब तक कितने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और वो लाखों करोड़ों रुपए सीधे सीधे अडानी कंपनी के पास गए हैं। यही कारण है, आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अडानी ग्रुप की जो संपत्ति थी वो सिर्फ 8000 करोड़ थी, और वो ही अडानी ग्रुप की संपत्ति 2022 में 23 लाख करोड़, मतलब कि 64 गुनी हो गई। ये आपका और मेरा पैसा है जो हम बिजली के बिल के रूप में देते हैं, हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई है जो मोदी जी की वजह से सीधे सीधे अडानी ग्रुप के पास जा रही है। बाकी सब पे ईडी सीबीआई सबकी रेड होती है, सबकी तहकीकात होती है, अडानी ग्रुप के ऊपर अभी तक कोई तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? आज हमारी मांग है कि अडानी ग्रुप की छानबीन होनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो हमारा और आपका पैसा है, जो अडानी के पास गया है, वो पैसा मोदी जी हमें वापस दिलवाएं। 15 लाख तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन जो अडानी के पेट में हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है, वो अब हमें सबको वापस चाहिए।